बिल्कुल ऐसे ही है। और नमान मिनिस्टर्स के हवाले से भी अनफॉर्चुनेटली एक इमेज बना दिया जाता है कि शायद उनके साथ हम कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो वो इतनी ईजी और स्मूथ नहीं होगी। लेकिन आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा गलत साबित करना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं एंड आई वॉन्ट के सबसे पहले आप अपने सब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए और इस इनिशिएटिव के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सपो आपके लिए तैयार किया गया है। अच्छा जी, पेशावर हैज़ ऑलवेज बिन वेरी वेलकमिंग आई मस्ट से, एंड जितनी भी मुख्तलिफ सिटीज़ से हम लोग आते हैं पेशावर में, सो एक यू नो तासुर क्रिएट किया गया है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो थोड़े से यू नो रफ से हैं, रिजेक्ट से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूरा के पी ट्रैवल किया हुआ है और मैं ये समझता हूँ जितने वेलकमिंग और जितने माशाल्लाह टैलेंटेड लोग के पी में मौजूद हैं शायद पाकिस्तान के किसी और क्षेत्र में, तो और ये सारी वो नस्ल है सामने, ये तमाम नौजवान यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने आने वाले वक्त की बागडोर संभाल ली है। खूबसूरत बात की, और कहते हैं ना किसी भी मुल्क का अगर आपने फ्यूचर देखना है तो उसकी यूथ को देखें, उसके यंगस्टर्स को देखें, और आप सबका जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है उसको देखें, आई एम श्योर कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। और रमान, एक और बात जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, सिंस अभी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जो है हमारे मिनिस्टर भी मौजूद होंगे जो कि टूरिज्म यूथ कल्चर के मिनिस्टर हैं, आप तमाम लोग जितने भी आप लोगों के दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जिसको आप समझते हैं कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वन वन आप उनसे बात कर सकें, तो प्लीज़ आपने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना और आप ज़रूर पूछ सकते हैं ताकि इस इनिशिएटिव का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। एंड बिल्कुल डेफिनेटली जैसा भी आपने कहा ना कि एक हमारे जो पोलिटिकल फिगर्स हैं उनको अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि दे आर अनरीचेबल, यानी ये वो लोग हैं जिनको आप रीच नहीं कर सकते, जिन तक आपकी दस्तरस नहीं हो सकती। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये भी हमारी तरह के ही लोग होते हैं, और ये बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इनके ऊपर इतनी ज़्यादा इनका स्ट्रेस लेवल अगर कभी आप मेजर करके देखें तो आपको ये समझ में आएगी कि हम तो बड़े सुकून में रहते हैं, ये लोग जिस तरह से काम कर रहे होते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब यंगस्टर्स को मैं देखता हूँ कि वो यू नो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं बहुत छोटी उम्र में, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत फैसिनेटिंग लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इन तमाम लोगों ने ही पाकिस्तान की भाग दौड़ आगे संभाल ली है नमान, और हम लोगों को ये जो अपॉर्चुनिटी दी गई है ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, हम आज इस ही इनिशिएटिव के ऊपर बात करने के लिए आए हैं, डिस्कशन करने के लिए आए हैं, आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे मौका मिलेगा वो तमाम सवाल जो कि एज एन इंडिविजुअल एज अ सिटीजन मेरे भी दिमाग में है अपनी कौम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारे साथ आज जो है मिनिस्टर ऑफ कल्चर यूथ टूरिज्म भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से भी जो है स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर आएंगे जो बल्कि अभी मौजूद हैं हमारे साथ, अभी हम उनको थोड़ी देर में वेलकम भी करेंगे ताकि हम ये वन ऑफ वन सेशन जो है स्टार्ट कर सकें। और जितने भी यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं, जहाँ यू नो जो ताज़ा ग्रेजुएट लोग हैं जो कि यू नो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करें आने वाले वक्त में क्या करें। अच्छा, फिर एक और चीज़ जिस पर हमने फोकस करना है कि यू नो बहुत सारे नौजवान हैं जो कि ऑलराइट दे आर सीकिंग फॉर अ गुड जॉब, बट देयर अदर यंगस्टर्स एज वेल जो कि प्रॉब्ली यू नो बिजनेस करना चाहेंगे या फिर कुछ और अपॉर्चुनिटीज तलाश करना चाहेंगे। आज हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, मेरे से वेट नहीं करना चाहिए जी, और कॉल सबसे पहले हमारे पास जो है मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड कल्चर तो मेरे ख्याल से अब से थोड़ी देर तक हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे पास स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर इंडस्ट्रीज के भी के मौजूद हैं कामरान खान बलवेश, मैं उनको बुलाना चाहूँगी और बहुत ज़्यादा आपकी तालियों में होंगी। ऑलरेडी, और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और जो हमारे सेकंड गेस्ट हैं जी, स्पेशल असिस्टेंट टू मिनिस्टर अब्दुल करीम साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, सर थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम जी। एडवाइजर इंडस्ट्री भी हैं, और सर दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, तशरीफ लाए, और जिस तरह से मैंने कहा कि वो जो एक तासुर सा क्रिएट किया गया है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं दे आर अनरीचेबल एंड वो शायद हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं, आपने उस टैबू को ब्रेक किया। दोनों का वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा, और जितने यंगस्टर्स हैं वो भी क्वेश्चन करेंगे सर,
और अब से थोड़ी देर तक हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ यूथ कल्चर एंड टूरिज्म भी मौजूद होंगे, तब हम उनसे बाकायदा गुफ्तगू भी स्टार्ट करने के ख्याल से माइक उन तक पहुंचा दिए गए हैं सो दैट हम बात स्टार्ट कर सकें। ऑलराइट, जी 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 सर, पहले तो आप मुझे बताइए आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और वैसे तो आपको हमें पूछना चाहिए, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से हर चीज स्मूथ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा अमन पर, और जितने भी यूथ के हमारे जो ग्रेजुएट्स और सारी यूथ जो हमारी इधर मौजूद है, मैं उन सबको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है वो बड़ा इंटरेक्टिव, बड़ा फ्रूटफुल होगा आपके साथ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपसे भी बात करना चाहेंगे, पहले तो आप ये बताएं, हम स्टीरियोटाइप को तोड़ें कि वो जो एक आइस ब्रेक होती है ना किसी भी पॉलिटिशियन के दरमियान और कोई भी आम इंडिविजुअल के दरमियान, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे आप ठीक हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये मौका फराहम करने में हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग आईटी बोर्ड और हमारे ग्रेजुएट्स प्रोफेसर्स सब ने ये मौका अता फरमाया है, इंशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपके सामने। थैंक यू सो मच सर, और अल्लाह करे आप बिल्कुल ठीक ठाक रहें क्योंकि आप ही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आगे देखना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं जो हमारे दिमागों में हैं और हम सोच के आए थे कि हम आज हमें जो ये मौका मिला है इसका हम भरपूर फायदा उठाएंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं और कुछ बातचीत जो है वो मैं करना चाहूँगी। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत सारा टैलेंट है पाकिस्तान में, और हम अगर अपनी आईटी की फील्ड में देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखें, तो पाकिस्तान में किसी भी तरह की टैलेंट की कमी नहीं है। मैं सिर्फ पूछना ये चाहूँगी कि क्या प्लान्स हैं, सिंस दिस इज़ नया पाकिस्तान और नया पाकिस्तान के हवाले से हमारे दिमागों में बहुत सारे ख्वाब जो हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि वो सब चीज़ें रियलिटी में बदलेंगी। सर पाकिस्तान बाकी अगर हम रीजनल कंट्रीज से कंपेयर करें तो अभी कुछ टेक्नोलॉजी में पीछे है, तो आज से 5 साल के बाद आप पाकिस्तान को आईटी की फील्ड में, इंफॉर्मेशन साइंस की फील्ड में कहाँ देखते हैं? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं जब कंप्यूटर साइंस और आईटी जब मैं एडमिशन लेने वाला था तो उस ज़माने में आईटी का एक क्रेज होता था, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल के बाद आईटी में लोग इसको बड़ा प्राउडली ज्वाइन करते थे। उस ज़माने में जो बूम आया था उसके पीछे बड़े एलिमेंट्स कार फरमा थे, बट अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो गए कि हम उस चीज़ को मेटेरियलाइज नहीं कर सके। अब अगर देखा जाए तो हम अपने हमसाया मुल्कों की बात करते हैं, इंडिया की जब हम बात करते हैं आईटी सेक्टर में या सर्विसेज सेक्टर में स्पेशली, तो $200 अरब उनकी आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में एक्सपोर्ट्स हैं। इसी तरह अगर बीपीओ इंडस्ट्री बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की जब हम बात करते हैं तो फिलिपीन का नाम बहुत ज़्यादा सामने आता है, 1 मिलियन लोगों को फिलिपाइन में इस सेक्टर में जॉब्स मिली। और इंडिया की सिर्फ बीपीओ इंडस्ट्री जो है वो $97 बिलियन पे है, यानी इस सेक्टर में जितना पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एज अ नेशन या एज अ गवर्नमेंट्स हमारी प्रायोरिटी ये नहीं रही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या आईटी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में इस तरफ फोकस नहीं किया गया। अब हम कहाँ पे खड़े हैं, बड़ी मुश्किल से 2018 के एंड में जो फिगर्स आई है वो $1 बिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं, यानी अगर इंडिया के मुकाबले में हम देख लें तो 200 टाइम्स हम उनसे पीछे हैं। और इसी तरह बाकी अगर बांग्लादेश भी देख लें तो बांग्लादेश भी आजकल पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे जा रहा है।
अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है कि जब हम छोटे छोटे मुल्कों को भी देख ले, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। पाकिस्तान में सिर्फ 15 से 29 साल के दरमियान 30% लोग हैं, यानी जो हमारी यूथ बल्ज है। अब उसको हम कैसे पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं? हम सर्विसेज सेक्टर के ऊपर देखें, सिंगापुर की अगर हम एग्जांपल लें तो सिंगापुर की टोटल आबादी 5.5 मिलियन है, यानी पिशावर से बिल्कुल थोड़ा से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है। और उनकी अगर आप एक्सपोर्ट्स देख लें, वो सर्विसेज सेक्टर में उन्होंने इतना ग्रो किया है कि वो $350 बिलियन पे स्टैंड कर रहे हैं आजकल। और पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है वो 25 to 30 बिलियन के दरमियान। तो उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है। आप मिडल ईस्ट को देख लें, गल्फ कंट्रीज को देख लें, उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हमने, मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करने की बात जब की तो एक ज़माने में ट्रेंड आ गया कि स्किल्ड वर्कफोर्स भेजते हैं, तो स्किल्ड वर्कफोर्स में हमने प्लम्बर, स्टील फिक्सर और इस तरह के कारपेंटर्स, ये हमने इसको स्किल समझा। जबकि आजकल दौर जो है बड़ा चेंज हो चुका है, सर्विसेज सेक्टर में जितना पोटेंशियल है हम उसको टैप नहीं कर रहे। आईटी के हवाले से पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि 133 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी बाय 133 मिलियन, 13 करोड़ 30 लाख जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, और 78 मिलियन जॉब्स जो हैं 78 मिलियन वो डाई डाउन हो जाएगी आईटी की इमरजेंस की वजह से। तो अब इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रायोरिटीज ओवर द पीरियड ऐसी रही हैं कि अगर आप पीएसडीपी को देख लें तो पीएसडीपी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1% या 2% एलोकेशन मिलेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आईटी सेक्टर में। पख्तूनख्वा में पोटेंशियल क्या है, या हम खैबर पख्तूनख्वा को कैसे अगले 5 साल में देख रहे हैं? इंशाल्लाह हम अपने यूथ को ट्रेन करने जा रहे हैं, हम जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें हम अपने ग्रेजुएट्स को, अंडर ग्रेड्स को, इवन जो बीपीओ इंडस्ट्री को हम पख्तूनख्वा में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें आपको कन्वेंशनल डिग्री की ज़रूरत भी नहीं है, आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको सॉफ्ट स्किल्स अच्छे आने चाहिए। उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि 50,000 यूथ को हम उसमें इंगेज करके इंशाल्लाह उनको रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिलेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब्दुल करीम साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की को अगर गेज करने के हवाले से देखा जाए तो हमेशा से हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। सो सर, अगले 5 सालों में आप हमारी इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, और चीज़ें क्या सही स्मूथली जा रही हैं? डू यू थिंक के कोई हर्डल्स हैं या फिर बहुत स्मूथ ये सारा जर्नी है? जिस तरह की मौजूदा पोजिशन है तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ये विजन रखती है कि जो वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के पास पड़े हम उसको यूटिलाइज करके और इंडस्ट्रियल शिकल दे के, वैल्यू एडिशन करके उसको आगे बढ़ें। माजी में इस तरह हुआ है कि इंसेंटिव बेस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। अगर आप देखें शुगर सेक्टर को अगर इंसेंटिव मिला है सब्सिडी का, तो 2 या 3 बंदों की पूरी शुगर इंडस्ट्री है। जब भी कोई एसआरओ शुरू होता निकलता है तो बैकग्राउंड में उस एसआरओ के चंद लोग होते हैं जो के फैसिलिटेट करने होते हैं और उनके लिए ट्रेनिंग की जाती है। अभी जनाब इमरान खान साहब का जो विजन है और जो उन्होंने वादा किया कौम से कि हमने 1 करोड़ जॉब्स देने, तो फर्स्ट सी पैक का जो इंडस्ट्रियल स्टेट है रशकई सी पैक इंडस्ट्रियल स्टेट, जो के इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के इसी महीने के विजिट में सेंक्शन हो जाएगा और अगले महीने इंशाल्लाह हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करें। और इसके साथ साथ उसने 50,000 डायरेक्ट और 1,50,000 इनडायरेक्ट
जॉब क्रिएट करें। इसके साथ साथ हमारे पास जो कुदरती अल्लाह के दिए हुए नेमतें हैं, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर में रिफाइनरियां, एक दुबई हमारे पाकिस्तानी भाई है शेख जफर साहब 20,000 बैरल की रिफाइनरी वो लगा रहे हैं, 40,000 बैरल की FW लगा रही, दो कंपनी है 20,000 बैरल की और भी उनके नेगोशिएशन चल रही। हाइड्रो पावर के जो साइट से वो अल्लाह ने खैबर पख्तूनख्वा को दिए, हम उनको इस तरह कैश करना चाहते हैं कि उससे इंडस्ट्री के लिए रिलीफ ले लें एनर्जी में, और उस रिलीफ पे हम पंजाब और सिंध और फॉरन से वो एज जो हमारे लोकेशन डिसएडवांटेज है उसको किस तरीके से कवर करें। इसके साथ अभी रिसेंटली यहाँ पे 6-7 हमारी सीमेंट प्लांट जो हैं वो उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन फेज और जियोलॉजिकल वो जो उनके सैंपल वगैरह के होते हैं उन्होंने भी अपने इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिए एक तरीक़ेकार से। तो इसके साथ चाइनीज़ है जो आ रहे हैं स्टील में हमारे पास आए हैं, एक चाइनीज़ आज भी 50 मेगावाट कंजम्पशन का उन्होंने एक इंडस्ट्रियल स्टेट का विज़िट किया है, और जो हमारे पास मौजूदा इंडस्ट्रियल स्टेट हैं हम उसको ऑलमोस्ट डबल के उस पर जा रहे हैं कि हमने इनको डबल करना है, और ये डिमांड बेस है। इसके लिए हम लॉ में चेंजेस कर रहे हैं, सिर्फ इस पर निसार नहीं कर रहे हैं कि ADP में पैसा आएगा तो हमने काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारे पास ADP ये 1-8 महीने बगैर पैसों से हमने काम किया, इंशाल्लाह हमने इस पर प्रोग्रेस किया। तो लॉ में चेंजेस करके हमने ज़मीन की पोजीशन के लिए वो तरीके का जिसमें पैसा इस्तेमाल हमने शेयरिंग पे PPP मोड में आ गए, जिस तरह टाउन प्लानिंग में लोग शेयरिंग करते हैं उसी पे आ गए। इसके साथ जो नए इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट हमारे आए हैं जिसको एक्सपाटाम कहते हैं, उसको अल्लाह ने जो वसाइल दिए हैं, ऑयल बेल्ट उनका अलहदा है, मेटल बेल्ट उनका अलहदा है, प्रेशियस स्टोन्स, हाइड्रो पावर सेक्टर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, टूरिज्म, ये सारे सेक्टर जो है ना, तो उनके लिए उनको वसाइल के इस्तेमाल करने के लिए हम बैंकों से, स्टेट बैंक से गवर्नमेंट ने बात की है कि आप इनको रिलैक्स करें, क्योंकि जो पिछले 30 साल खैबर पख्तूनख्वा ने जो शहादत दी, जो हालात हम पे गुजरे हैं, 60,000 से लेके 65,000 तक शहीद हमने दिए और इस मिट्टी के लिए दिए, हमें इस पे फख्र है, लेकिन अल्लाह पाक हमें उसका अजर इन्वेस्टमेंट के शक्ल में, और यहाँ से इस पे से मैं ये दावा करता हूँ कि इस 8 महीनों में ये जो सेक्टर्स मैंने बताए हैं $3 अरब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस चीज़ को करेगी। और इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के लोकल लोगों की इंडस्ट्री है वो SME सेक्टर है। SME सेक्टर वो प्लांट चाहती है जिससे हम वो चीज़ बनाएं जो कि एक्सपोर्ट हो। मैं उसकी मिसाल यही दूंगा कि सारे भाइयों के पास सेल फोन्स हैं, इस सेल फोन के अंदर आप जाएं, जो इसके पुर्जे हैं उसके तमाम रॉ मटेरियल आपके सूबे में मौजूद है। अभी मैंने हवाई वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि जी हम तो सिर्फ असेंबलिंग करते हैं, हमारे यहाँ हर पुर्जे का अलहदा ही डिपार्टमेंट है और अलहदा मतलब फैक्ट्री है, वो इसको प्रोडक्शन में करती है और हम उनसे होलसेल में लेके तो आगे अपने सेलफोन बनाते हैं। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, हम एक स्टाइल से जा रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि जो भी नई इंडस्ट्री आए तो हम उसको, ये नहीं कि हमारे यहाँ से लम्स चले जाएं और सारे वाघा बॉर्डर पे पड़े, हमारे यहाँ लम्स चले जाएं तो आपके कराची में लम्स आ जाए, हम कहते हैं जी आए, हम आपको वेलकम करते हैं, हमको सिक्योरिटी देते हैं, हमको फैसिलिटी देते हैं, हम आपको जो गैप है जिस तरह आप फरमा रहे थे
कि सियासतदानों के दरमियान गेप है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि यह खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी नहीं था और अब भी ये गेप नहीं है। मेरे ख्याल से क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमने सारे पख्तूनख्वा के भाई बैठे हुए हैं, हम उजरों में बैठने वाले लोग हैं, हम सुबह निकलते हैं और ये वोटर हमारे वो वोटर नहीं है जिनके जुबान नहीं है, तो हमें गले से पकड़ते हैं और हमें इससे खुशी है इंशाल्लाह। लेकिन फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक ये 8 महीने गुजरे, सुबह में एक जगह वो कर रहा था कि जी जो हमारे वक्त में जो प्राइस का हाइक आया है इंशाल्लाह हम ही उसको वापस लेके जाएंगे, क्योंकि ड्रेन आउट यहाँ से ना ब्रेन ने होना है इंशाल्लाह भी और ना कैपिटल ने होना है, उसको हमने रोक लिया है। तो हमारे वो पुष्टों में कहते थे कुई खावर कुई की बातें कीगी, तो इंशाल्लाह इसने बढ़ने हमने ग्रोथ कर लिया। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा डिफाइन किया। अच्छा, मैंने तकरीबन सारी दुनिया ट्रैवल की और एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है वो मैं आज प्राउडली आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि जितना अपने कल्चर को और अपनी सकाफत को और अपनी लैंग्वेज को ओन करते हुए मैंने एक पश्तून को देखा है वो मैंने किसी और को नहीं देखा। आप लोग अपने लिए भरपूर क्लैपिंग करें इस नोट पर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसी तरह अपने कल्चर को ओन कीजिए, इसी तरह इस पर फख्र कीजिए, बल्कि मैं मेरी गुजारिश होगी बाकी भी तमाम पाकिस्तान से कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कल्चर्स को ओन करना सीखें। एंड जिस तरह से इन्होंने कहा कितनी अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की और आपने बहुत प्यारी बात की, हमारे पख्तून बहन भाई जितने भी हैं उनके दरमियान जो यूनिटी हमें नजर आती है उससे तमाम हमारे कल्चर्स को सबक सीखना चाहिए जितने भी हमारे सूबे हैं। दो हमारे पास यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी मौजूद हैं नमान, क्योंकि आपको पता है कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम उन्हीं लोगों को लुक अप टू करते हैं। मैं दावत देना चाहूँगी ऊपर स्टेज पे मिसबा फैज हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, प्लीज बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि एक खातून होके इस फील्ड में आना और अपना नाम बनाना इज अ डिफिकल्ट थिंग। एग्जैक्टली। उसके बाद हमारे पास मौजूद है, मैं चाहूंगी आप जी इरफान मुफ्ती साहब मौजूद हैं जी यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर इरफान साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दोबारा मेरे ख्याल से थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि वेदर पाकिस्तान इज एमिंग टू कंस्ट्रक्ट इट्स ओन सैटेलाइट इन इट्स टेरिटरी, अगर है ऐसा कोई प्लान तो क्या कब तक कुछ पाकिस्तान में इस तरह के कोई प्लान्स बन रहे हैं, और अगर हैं तो क्या प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और कितने टाइम तक ये चीज़ कम्प्लीट होगी? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये मैं आपको बता दूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी और आईटी के हवाले से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के साथ भी, एकेडेमिया के साथ भी और गवर्नमेंट के साथ भी मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रही है इस ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 8 मंथ्स, तो मैं ये आपको श्योर शॉट बता रहा हूँ कि जितना काम पिछले 6-7 महीने या 8 महीने में हो चुका है और जितना सीरियसली काम हो रहा है, दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं बेसिकली आईटी के, एक प्राइवेट सेक्टर में और एक पब्लिक सेक्टर में। दोनों में जितना ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान जो ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना हुआ है, फेडरल पीएम टास्क फोर्स, पीएम साहब खुद जो है इसको लीड कर रहे हैं और उन्होंने अपना टास्क फोर्स बनाया हुआ है जो कि इन सारे फैक्टर्स को देख रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी में भी और आईटी में भी, तो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनने जा रहा है और उसका डायरेक्ट बेनिफिशरी यूथ होगा और आईटी इंडस्ट्री होगी और ऑब्वियसली सिटीजन फैसिलिटेशन उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम डिजिटल गवर्नेंस को अगर देखें या सिटीजन फैसिलिटेशन को हम देख लें, सिटीजन सर्विस डिलीवरी को हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स को देख के मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे करीम खान साहब ने कहा हम खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट से पहले, मैं ये दावे से कह रहा हूँ इंशाल्लाह हम खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशल टेक इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं ऑन द एनालॉजी ऑफ जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, उसी हिसाब से हम हरिपुर में जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग पे है, हम उधर एक बहुत बड़ा स्पेशल टेक इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं जिसका ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जो जैसे करीम साहब ने कहा कि इधर रॉ मटेरियल हमारे पास है, असेंबलिंग यूनिट्स हम बना सकते हैं आईटी रिलेटेड, इवन एनर्जी सेक्टर में हम उधर
इस तरह के असेंबलिंग यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, और इधर जो जिस हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा फायदा इंशाल्लाह यूथ को पहुँचेगा और हजारों की तादाद में लोग उधर एम्प्लॉय होंगे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा करीम खान साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो कि इस वक्त तमाम यंगस्टर्स आई थिंक पूछना चाहेंगे और क्यूरियस होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यू नो काबिल लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनोवेशंस की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में क्या व्हीकल के हवाले से इंडस्ट्री फ्लरिश हो रही है, क्योंकि हम लिटरली अब देखते हैं कि कार्स की प्राइसेस किधर से किधर पहुंच गई हैं, एंड जो रईस कसर है वो बाहर की जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और यू नो वो एक सिलसिला चल पड़ा है। सो इट्स हाई टाइम, जिस तरह बाकी ममालिक में रीजनल कंट्रीज के अंदर उनकी अपनी प्रोडक्शन बहुत पीक पे चली गई है, तो क्या इसके ऊपर काम हो रहा है सर? कंपटीशन में जी टैक्सेशन बड़ा रोल करते हैं। अगर हमने सिर्फ स्टक ही होने दो तीन ब्रांड्स से फिर तो नहीं, अगर हमने बाकी जो कोरिया को मलेशिया को इन मुल्कों को लाके डाल दें, जिस तरह मैं आपको मिसाल दूंगा, जब ये सेल फोन आए थे तो पता नहीं 28 रुपये का यूनिट तक कितने, जब कंपटीशन आ गया तो ऑटोमेटिकली, तो कंपटीशन इसका वायद ही हल। बिल्कुल। तो अभी मलेशियन प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने भी, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जब आप ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे तो ये नहीं कि सारा वहाँ से यहाँ असेंबलिंग हम करें, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब टेक्नोलॉजी पे हम आएंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और जैसे कि नौमान ने बोला हमारी इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश करेंगी और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी। सर आपकी तरफ आऊंगी, कामरान खान बलिश। सर मुझे पहले बताएंगे तो हमने थोड़े से फॉर्मल क्वेश्चंस किए जो कि बहुत ज़रूरी थे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे तमाम जितने भी अफराद बैठे हैं उनके अंदर भी सवाल होंगे, बल्कि आप अपने सवाल प्रिपेयर्ड भी रखें। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो हम आपसे भी ज़रूर पूछेंगे। सर मुझे ये बताएं कि आप जिस फील्ड में हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लगता कैसा है आपको जब आप रोज निकलते हैं और आपके दिमाग में प्लान्स होते हैं, ऑफ कोर्स अपनी कंट्री के हवाले से और चीज़ें होती हैं, तो हाउ डज इट फील, और आपने इस चीज़ का आगाज कब से किया? एज अ प्रोफेशनल अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली 2004 से जब मैं आईटी फील्ड में आया, और एज अगर पॉलिटिशियन आप बात कर रहे हैं तो 2006 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, 2007 में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में मैं हमारे फेडरल मिनिस्टर मुराद सईद के साथ इन्वॉल्व हुआ, और उसके बाद यूथ विंग और मदर पार्टी में। अब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पर मैंने कंटेस्ट किया, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कल वज़ीर आला साहब ने भी ये बात एक फंक्शन में की कि हमने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की, लेकिन जो पिछले 6-7 महीने में हमने काम किया शायद पूरी ज़िंदगी में उतना काम कभी हमने नहीं किया। तो ये एक डेडिकेशन है हमारी पूरी टीम की। एक तो मैं ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन जितने यूथफुल करीम खान साहब हैं कैबिनेट में अगर आप देख लें या असेंबली में देख लें, तो आई एम प्राउड ऑफ हिम ऑनेस्टली। तो एक डेडिकेशन और मोटिवेशन तो अपनी जगह पे, और टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त टीम हमारी है आईटी में भी और एसटी में भी, लेकिन उसके साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर हम देखें 65 ईयर्स की एज में वो 16 से 18 घंटे काम करते हैं, तो वो हमें और मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। हमें ये लगता है कि अगर वो 65 साल की उम्र में इतने 16 से 18 घंटे काम करते हैं तो हम 30 साल की उम्र में क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमें और इनकरेज करता है, और ऑब्वियसली एक बात मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ मोटिवेशन और इनकरेजमेंट भी नहीं है, ठीक ठाक जब मैं, शायद करीम खान साहब भी मेरे साथ एग्री करेंगे, जब खान साहब आते हैं तो वो हम सबकी, जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं हम सबकी बराबर क्लास लेते हैं, एक एक बंदे से रिपोर्ट पूछते हैं, और अगर किसी जगह पे किसी बंदे के मुतालिक कोई ऐसी रिपोर्ट है कि वो ऑफिस नहीं जाता, वो अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेता, तो वो भी ज़बरदस्त हमें सुनाई देती हैं बातें, और हम वो भी चीज़ जहन में रखते हैं कि खान साहब कहीं नाराज़ ना हो जाए या कहीं गुस्सा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है हर रोज़ जब सुबह उठते हैं तो इन सारी चीज़ों को जहन में रख के काम करते हैं। बहुत ही प्यारी बात है, किसी अच्छा, की तरह वो भी इनको जो है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और मुझे व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज द फैक्ट कि ही इज वेरी यंग,
और अक्सर क्या होता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो जब किसी इस तरह के स्पेसिफाइड रोल की तरफ आते हैं ना, तो बड़ा शुरू में आई थिंक नर्वसनेस होती है कि पता नहीं लोग मुझे सीरियसली लेंगे, मेरी एज के हवाले से कुछ सीरियसली लेंगे कि नहीं लेंगे. बट आई गेस यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब माशाल्लाह, एंड आप जो भी बात कर रहे हैं वो इतनी मेच्योर है कि उसके बाद में कहूंगा कि एज डज नॉट मैटर एट ऑल. ऐसे ही है ना सर, एज इज जस्ट अ नंबर, वो भी कहां से होती है यहां पे अप्लाई होता है. एंड एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, एज इज वाकई मैं कहता हूं कि जिस तरह यहां पे यंगस्टर्स हैं, अब करीम खान साहब माशाल्लाह से कितने यूथफुल जिस तरह उन्होंने बताया, वो आई थिंक हम सबसे यंग हैं. और यहाँ पे जितनी यंगस्टर्स हैं वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके इधर बैठे होंगे. जितने भी लोगों के दिलों में कोई सवालात हैं, बेशक नॉट नेसेसरीली कि आप किसी फील्ड के हवाले से ही बात करें, बेशक आप उनसे उनकी रूटीन के हवाले से अगर कोई बात करना चाहते हैं, कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से दिस इज वन बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसको आपको अवेल करना चाहिए. जी तो किस सेक्शन की तरफ आऊं और किस किस, प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके ऑलराइट, मेरा नाम निर्गुण साकिब है. करीम खान साहब से मुलाकात होती रहती है रिगार्डिंग यूनिसा फार्मास्यूटिकल्स. आई एम अ डायरेक्टर ऑफ यूनिसा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. बेसिकली एक छोटा सा सवाल, एक पहले तो थैंक यू सो मच एंड रिगार्डिंग, मैं भी थैंक करना चाहूँगा, सारे यूथ भी थैंक करना चाहेगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियाँ बैठ रही हैं या जहाँ पे इन लोगों को समझ ही नहीं है कि हम किस तरह जाएँ, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया कि जहाँ पे आप इनको लीड कर सकते हैं, जिसकी बेसिक ज़रूरत है. लेकिन सर एक छोटा सा सवाल, जहाँ पे हम बहुत काम करना चाहते हैं, डिस्टर्बेंस है, हमें डिस्टर्बेंस है इम्पोर्ट्स के हवाले से, इवन तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बहुत बाइक पे. यूनिसा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्री पाकिस्तान में जिसके पास CGMP है, मेडिकल डिवाइसेस. एक ऐसी कंपनी जो कम्पीट करना चाहती है, ऐसी कंपनी जो यूथ को अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में कुछ करना चाहती है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही है हमें काम ना करने को, जिसमें एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस क्या है, इम्पोर्ट्स की. अगर जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं यहाँ पे, तो वो प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंट्री से भी इम्पोर्ट हो रहे हैं, नो मैटर्स उनकी क्या क्वालिटी है, क्या उनके सिस्टम बना हुआ है, इट डजंट मैटर, लेकिन वो इम्पोर्ट हो रहा है. अच्छा, वो इंडस्ट्री जो ऑलरेडी पाकिस्तान में है, जो सर्वाइव बड़ी मुश्किल से कर रही है, अगर ये इंडस्ट्रियाँ भी बैठ जाती हैं तो क्या बनेगा, क्या अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, अगर आएगी तो इसका फिर आपने क्या इसका तरीका रखा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को हम मल्टीप्लाई करें इन डिफरेंट नंबर्स. जी सर, थैंक यू जी. जिस तरह आपने फरमाया जी, तो मेरा ख्याल है कि आपका सेक्टर तो सबसे बड़ा सेक्टर है इस वक्त इंडस्ट्रीज में, जो इसमें मैं यही कहूँगा कि आपके जो सजेशन है इसमें, तो वो आप हमें दें कि आप क्या चाहते हैं उसमें, जो इसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, हम उनके साथ बैठ के, अभी तो कोई मसला नहीं है फेडरल और प्रोविंशियल का, तो जो जो चीज़ें इसमें हम आपके जो हर्डल्स हैं उसको अगर ख़त्म नहीं तो कम तो कर सकते हैं. बाकी हमारे रीजन में जो इंडस्ट्रिया है, मैं मानता हूँ कि अगर उसमें मसाइल होंगे, लेकिन वो जो ग्रो कर रही है तो ग्रो की तभी करेंगे जब आपको कोई मार्जिन होगा. लेकिन जिस आपके जो भी इसमें कम बैक हैं आप लाएँ, हम फेडरल गवर्नमेंट्स के साथ बैठ के आपके क्वेरीज जो हैं उसमें जो जो कम कर सकते हैं करेंगे जी, हम बैठे हैं इसलिए आपको फैसिलिटेट करेंगे. ठीक है, ठीक हो गया, परफेक्ट. किसी और ने अगर कोई सवाल करना है, नहीं ठीक है, यहाँ पे एक खातून है नमान, उनका सवाल अगर आप उनसे पूछ लें. जी श्योर. I'm student of USP case from UT Peshawar.
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वेस्टर्न क्या मेरे जो वेस्टर्न मेजर इलेक्ट्रिकल पावर नेगेटिव पावर से तो जब वेस्टर्न किया तो हमें ये पता चला कि वेस्टर्न की एजुकेशन जो है वो एनएफ नहीं है कहीं भी काम करने के लिए तो फिर मैंने एमएस स्टार्ट कर लिया रेस की फेस में लेकिन अगर हम जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो हमसे यही कहा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है वन ईयर का या टू ईयर का तो उसके लिए कोई सोल्यूशन या उसके लिए कोई ट्रेनिंग हमारा माइक्रो ट्रेनिंग के लिए आप कुछ कर सकें तो For the first time in the history of KP, Navy and Pakistan, तकरीबन 15 दिन पहले हमने एक कंसोर्शियम बनाया है जिसमें एकेडमिया गवर्नमेंट और इंडस्ट्री तो ये इसीलिए है कि एक दूसरे के मसाइल और ट्राइंगल बना के एक दूसरे को फैसिलिटेट कर अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेट होते हो हमको यूनिवर्सिटीज के पास जो रिसर्च है उनके पास जो एक्सपर्टीज है वो अवेलेबल है उससे वो फायदा नहीं उठा रहे जो उनके पास डिमांड्स हैं जॉब के उनसे यूनिवर्सिटीज को कोई पता नहीं अगर जिस तरह आप फरमा रही 10 बंदे चले जाएं वो अपना उसमें मेरिट के हिसाब से एक बंदा सेलेक्ट करें कम से कम 9 को भी ये वो हो जाएगा कि ये मेरिट की वजह से हुआ है तो फर्स्ट टाइम ये जो मैकेनिज्म हमने बनाया है इसीलिए बनाया है ताकि एक दूसरे के रिसोर्सेज से फ़ायदा उठा सकें